और एक बात बोलता हूँ, तो सिंगल चाइनीज सोल्डर, एक सिंगल चाइनीज सैन्य भारत से बाहर नहीं जा पाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे इधर। अच्छा, जो अंदर आ गया वो बाहर नहीं जा पाएंगे, तो इधर मतलब आपका ये मानना है कि जो चाइना के जो सैन्य हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो भारत के अंदर आए होंगे वो बाहर नहीं जा पाएंगे, उनका फिर नाम निशान मिट जाएगा हमेशा के लिए। वो सूर्यवंशी होगा और उसका नाम भक्तिवरी होगा, वही लिखा है एम खान सामान। तो फिर पूरन बिहारी पंडा जी ये कर रहे हैं, बार बार खुलासा कर रहे हैं, बहुत बड़ी खुलासा ये कर रहे हैं श्री पूरन बिहारी पंडा, जो कि वो जो उत्तर कल की वो जन्म लेंगे, उत्तर भारत के राजस्थान राज्य से उनका जन्म होगा, उनका नाम होगा लगभग भर्तृहरि उनका नाम होगा, और वो राज परिवार से होंगे, खाली उतना ही नहीं, क्या बोले अपने, और सूर्यवंशी, सूर्यवंशी वो राज परिवार होने के साथ साथ तो सूर्यवंशी भी होंगे, तो ये उसका नाम भर्तृहरि होगा। हाँ, उनका नाम होगा भर्तृहरि, ये प्रमाण मिलता है महापुरुषों के द्वारा लिखा गया मालिका ग्रंथ में। राजस्थान में विभिन्न ये स्टोरी में कुछ पुराण में भी भक्तों का नाम उल्लेख है। अच्छा, लिखा गया। हाँ हाँ, ओके ओके। उसके बाद क्या होगा, जब सब खत्म हो गया, इंडिया कैप्चर कर लगा, ये भक्तों से कैप्चर कर लेंगे, दिल्ली कैप्चर कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, फिर किंग ऑफ इंडिया, और इंडिया का वही राजा होंगे। राजा होने के पहले वो प्रभु के पास करके अवतार के पास आएंगे, उड़ीसा करके अवतार के पास आएंगे। अच्छा, उसको आके, उसको आके मिलेंगे और उसको प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, करेंगे उनका आशीर्वाद लेंगे। हाँ, ये जो दिल्ली सिंहासन था अपवित्र हो गया, तो प्रभु वहाँ जाएंगे अस्थिता में, उसको वहाँ यज्ञ होगा, महायज्ञ होगा उधर। हाँ, विभिन्न राज्यों का भक्तगण इकट्ठा होंगे, पंचसगा भी उधर होंगे, उधर देवनगर देव देवगण सब इकट्ठा होंगे, सूर्य चंद्र सब उधर होंगे। अच्छा, तो वो सात दिन के लिए वो यज्ञ होगा, सेवन डेज, उसके बाद एट डे देखो इसको सिंहासन में बैठाएंगे। तो ये आप अंतिम लीला के बाद की बात कर रहे हैं या फिर ये बीच की बात है? ये युद्ध का खत्म होने के बाद, युद्ध के खत्म होने के बाद। उसके बाद जो आपने बोले जो तीन चरण है, आद्य लीला, मध्य लीला और अंतिम लीला, ये प्रांत लीला तो है ना ये? अच्छा, ये प्रांत लीला ऑलमोस्ट थ्री फोर्थ कम्प्लीट हो गया आपका, वार में चला गया, अभी इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब है कि 2027-28 की बात है। ओके, बिल्कुल। देखिए, आप बार बार पूछ रहे हैं कि आप टाइम बताइए, साल बताइए, हम यहाँ पे आपको टाइम लाइन भी बता रहे हैं, ये लगभग 2027-28 के आसपास के समय की बात है। और उस टाइम उसको राजा करके रजिस्ट्रेट करेंगे उधर दिल्ली में, और क्या होगा, 35 ईयर्स, 35 साल के लिए इंडिया का शासन करेंगे। अच्छा, 35 साल के लिए भारत को भारत शासन करेंगे। अच्छा, उसका वंश चलेगा उसको उधर से, सूर्य वंश चालू होगा फिर से दोबारा जो है सूर्य वंश का। अच्छा, चलो स्थापित हो जाएगा। अच्छा, स्थापना हो जाएगा, चलिए अच्छी बात है। तो फिर ये आपने तो बता दिए आद्य लीला, उसके बाद फिर आएगा मध्य लीला, इसके बाद फिर आएगा अंतिम लीला, इसके बाद एक काम खत्म होने के बाद कटिला में है क्या, भक्त का विचार होगा, भक्तों का विचार होगा, विचार होगा जी, भक्तों को अलग अलग किया जाएगा, वो लड़ रहे हैं प्रभु के साथ। एक काम खत्म होने के बाद फिर कालिका का लीला आरंभ होगा, माँ काली और महादेव का लीला आरंभ होगा। ये मध्य लीला है या ये अंतिम लीला की बात है? सब प्रांत लीला में सब है। आज प्रांत लीला में सब मध्य लीला ओनली ये आपका तो जुगाड़ जंत्र करने के लिए मध्य लीला। अच्छा, कुछ नहीं। अच्छा, और कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, तो फिर यह बोल रहे हैं कि शंकर भगवान और माता काली, तो उनका जो है लीला जो है आरंभ हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा, वो चलेगा 32 तक चलेगा, 32 तक मैक्सिमम मैक्सिमम क्या होगा उसमें प्रलय होगा, पृथ्वी उल्टा हो जाएगा। अच्छा, पृथ्वी जो है उल्टा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, एक भाग जो है दब जाएगा, वो बोले ना। हाँ, एक बार तो दब जाएगा, एक बार उठ जाएगा, तो 300 फुट का पानी इधर आ जाएगा क्या? अच्छा, मतलब जो स्थल भाग है वो जो हो जाए बन जाएगा
जलभाग में? नहीं, नया जलभाग चालू होगा। अच्छा, नया स्थलभाग चालू होगा, बहुत सारे देश डूब जाएंगे समुद्र के अंदर, 232 से 111 देश रहेंगे, बाकी सब जाएंगे। अच्छा, 232 देश में से अभी देखिए, अभी अभी तक भी इतना साल हो गया, अभी तक भी समुद्र के अंदर विभिन्न जगह में आपको विभिन्न सिटी जैसा मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता रहता है, मिलता रहता है। इससे ये प्रमाण मिलता है कि आज से लगभग कितने हजार साल पहले तो वहाँ पे शहर था। कैसे डूबा? इसी हुआ, ये एंड ऑफ एवरी कलि युग। ओके, इसीलिए एक कलि युग में क्या है वो सत्यजी को नहीं रहेगा, कोई प्रमाण नहीं रहेगा। करके होता कहाँ आए थे, कहाँ रहते, उसके बारे में हिस्ट्री में कोई प्रमाण नहीं रहेगा। अच्छा, ये आप जो बोल रहे हैं कि ये जो राजा बनाई है दिल्ली में और वो लगभग 35 साल तक बनेंगे राजा, तो क्या उस समय को ये सत्ययुग माना जाएगा? है? उस समय को सत्ययुग माना जाएगा, सत्ययुग? हाँ, सत्ययुग आज नहीं है, आपका पढ़ाई के बाद सत्ययुग आएगा, चालू हो जाएगा, लेकिन सेटल होने में लगेगा टाइम। अच्छा, एक्चुअल सत्ययुग लोग बचेंगे 43 से, तो इसका मतलब है कि जो 35 साल आप जो बोल रहे हैं ना, 35 साल तक वो राजा बनेंगे, तो ये सेटलमेंट का टाइम है या फिर सत्ययुग का टाइम? उसका टाइम में सेटलमेंट होगा। अच्छा, उनके टाइम पे सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट होगा, ओके, उसके बाद फिर आ जाएगा सत्ययुग आ जाएगा। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। और कुछ है उनके बारे नहीं, उसके बारे में और कुछ नहीं, इतना इतना मुझे मिला था, उतने लिखा है। हाँ, मेन पहल प्रधान का दिन चीज है अपना भारत के लिए। जी जी जी, ये अपना सीवियर बनेगा वो। हम लोग कोई ये राजा होगा वो राजा बोलते रहने से कोई फायदा नहीं, जो राजा होने से वही होगा, प्रभु जिसको राजा करेंगे वो राजा हो भारत का। प्रभु भारत का राजा नहीं होंगे, प्रभु विश्व का राजा होंगे, विश्व का राजा होंगे। अच्छा, प्रभु के अंडर में पूरा विश्व रहेगा। हाँ, सारा विश्व प्रभु का राजा बोल के स्वीकार करेंगे। अच्छा अच्छा, तो आप जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे भारत के सिंहासन में जो बैठेंगे 35 साल तक, तो फिर आप जैसे बोल रहे हैं कि जो 64 सिद्ध पुरुष, 64 सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष, और आप जो बोल रहे हैं कि 1,00,000 उनके रहेंगे ना, 1,32,000 राजा। हाँ, तो ये फिर क्या है? सुनिए, पृथ्वी में प्रभु 1,00,000 राजा क्रिएट करेंगे और देवों का अधिकारी रहेगा। अच्छा, होल वर्ल्ड विल बी, पूरा पृथ्वी को 1,00,000 राज्य में डिवाइड कर देंगे। अच्छा अच्छा, पूरे पहले जैसे था थोड़ा राज्य था, सब ऐसे ही डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, हर राज्य में एक राजा रहेगा, उसको अपॉइंट करेगा वक्त में जाएगा उसमें। अच्छा, बाकी उन लोग के पास उसको एडवाइस देने के लिए सिद्ध पुरुष जो है 1,32,000 जो है टोटल रहेंगे उसका, देव देव देवगण ऋषिगण सिद्ध पुरुष उसके रहेंगे, इन लोगों का ये 1,00,000 सिद्ध पुरुष होंगे। अच्छा, ये वो राजा के पास रहेंगे उसको एडवाइस देने के लिए। अच्छा, राजाओं के पास भी रहेंगे एक एडवाइस देने के लिए। अच्छा, तो उनका भी नाम होगा सिद्ध पुरुष, भारत के राजा है बलभद्र। हाँ, एडवाइजर होंगे जगन्नाथ जी और माँ काली और शिव, शिव हनुमान और पंचसखा, ये मिलके जाएंगे, होल वर्ल्ड कवर करेंगे, ट्रेवल करेंगे, सनातन धर्म का प्रचार करेंगे और सेटलमेंट होगा उस समय। ओके ओके ओके, तो फिर बहुत बढ़िया। ये आप अपना क्या ऑलमोस्ट ये कटकिला का जी सारांशन बोल दिया, चलिए बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमारे दर्शकों को बहुत ही सुंदर तथ्य जो है प्रदान किए इस वीडियो के माध्यम से। आप अभी सुन रहे हैं कल्कीलीला पुस्तक के राइटर और नालिका के रिसर्चर श्री पुलिन बिहारी पंडा जी को। तो श्री पुलिन बिहारी पंडा जी बोल रहे थे क्या लिखा गया है मालिका में उत्तर कल्कि के बारे में। पहली बार हम बता रहे हैं, आप तो इससे पहले कई बार सुने होंगे कल्कि अवतार के बारे में, लेकिन कल्कि अवतार से पहले एक आएंगे, उनका नाम होगा उत्तर कल्कि। उत्तर भारत से आएंगे दक्षिण भारत तक, और वो बिल्कुल जो है हमारे शत्रुओं को विनाश करेंगे और दोबारा फिर सनातन धर्म का स्थापना करेंगे। खाली उतना ही नहीं, केरल से होगा उनका आरंभ, उनका जो फाइट होगा वो केरल से शुरुआत होगा, केरल से वो फिर
शत्रुओं का विनाश करते करते पहुंचेंगे दिल्ली तक। जब दिल्ली फिर हो जाएगा शत्रुओं के मुक्त हो जाएगा, शत्रुओं से मुक्त हो जाएगा, फिर भगवान जी को बुला के, भगवान कल्कि जी को बुला के वो फिर दिल्ली का बनेंगे राजा। 35 साल तक बनेंगे राजा। फिर उसी समय ये सेटलमेंट का टाइम होगा। तो फिर ये सब कल्किला पुस्तक में लिखा गया है। कल्किला पुस्तक हम कोशिश कर रहे हैं उसका हिंदी का जो अनुवाद है और इंग्लिश में जो अनुवाद है, लगभग 3 से 4 महीने तक हम कोशिश करते हैं आप तक पहुंचाएंगे। कैसा लगा? 3-4 महीने होगा नहीं, लिखना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। कोशिश करेंगे 6 महीने आप हो सकता है। 6 महीने हम कोशिश करते हैं, पिंडी होकर चाहे 6 महीने लग जाए कम से कम। बिल्कुल तो हम कोशिश करते हैं जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएंगे। तो फिर जो हमारे दर्शक उत्तर भारत यानी खास करके राजस्थान से देख रहे हैं, तो फिर बताइए राजस्थान से क्या ऐसे सिद्ध पुरुष जन्म हो चुके हैं जिनका नाम है भर्तृहरि? कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई इसको पहचाना नहीं, नोबडी का नो ही हुई जी। अच्छा, तो पूरन बिहारी पंडा जी बोल रहे हैं कि उनका अभी तक शायद कोई पहचान नहीं पाएगा। तो फिर एक चीज बोल सकता हूँ, ही विल बी इन इंडियन आर्मी। तो बहुत बड़े यहाँ पे खुलासा, बहुत बड़े यहाँ पे जो बोलते हैं हिंट आपको दे दिए। वो बोल रहे हैं कि श्री पुलिन बिहारी पंडा जी राजस्थान से उनका जन्म होगा, उनका नाम होगा भर्तृहरि, राजस्थान, वो इंडियन आर्मी में शायद किसी उच्च पद पर भी होंगे। उच्च पद पर राजस्थान का मेवाड़ में सूर्यवंशी राजपूत आर्मी में होगा, वही होगा उत्तर कलिंग। बिल्कुल टू द पॉइंट में बता दिए, कोई हमने इनडायरेक्टली या फिर घुमा के फिरा के आपको नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्टली हमने आपको बता दिए। राजस्थान के मेवाड़ में सूर्यवंशी वो जन्म लिए होंगे, उनका नाम होगा भर्तृहरि, वो आर्मी में किसी उच्च पद पर वो विराजमान होंगे। तो फिर अगर इस शख्स को आप जानते हैं तो प्लीज नहीं आप लिखिए। आप जानते हैं किसको? अगर मालूम पड़ेगा किसी को भी बाय चांस प्रभु की दया से, प्लीज डोंट डिस्कस उसको, किसको बोलना मत, उसका लाइफ का पर आक्रमण हो जाएगा जी। बिल्कुल, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय पंचशखा।